युद्ध हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि कभी युद्ध नहीं हुआ। नहीं नहीं हमेशा मतलब पूरा इतिहास निकाल के देखिए जी, हर समय युद्ध है। बल्कि मनुष्य अपने को जिंदा समझता ही तब है जब वो लड़ रहा होता है। लड़ रहा होता है जी। जब वो नहीं लड़ रहा होता है ना तो उसको लगता है मैं जिंदा हूँ ही नहीं। जी। तो वो लड़ता ही रहता है। हाँ चाहे जिससे लड़ता हो। हाँ चाहे जिससे लड़ता हो, अपने बीवी से लड़ता हो, अपने भाई से लड़ता हो, कहीं ना कहीं वो लड़ता ही रहता है। लड़ता यार दोस्त से लड़ेगा, अपने दुश्मनों से लड़ेगा, पड़ोसियों से लड़ेगा, वो लड़ता ही रहेगा। जी। तो युद्ध सदैव होते रहते हैं। अभी बहुत जब युद्ध सब लड़ते लड़ते जब कुछ ज्यादा विस्फोटक स्थिति हो जाती है तो बड़ा युद्ध हो जाता है। जी। इकट्ठा होता है। आप देखेंगे अगर पूरा इतिहास का अगर स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो हर 50 साल 60 साल में जाते थे बड़े युद्ध हो जाते हैं। बहुत बड़े मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े युद्ध हो जाते हैं हर 50-60 साल पर हो जाएंगे, और हर 15-20 साल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कुछ देशों का होता रहेगा। हाँ, और वैसे हर साल होता रहता है। कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल कोई ना कोई देश नहीं लड़ रहा। हाँ जी, जी। राष्ट्रीय स्तर पर देखें राष्ट्रीय स्तर कोई ना कोई कोई ना कोई देश लड़ रहा है। कभी इजराइल लड़ रहा होगा, उससे कोई ना कोई देश लड़ा होगा किसी न किसी से। ऐसा कोई साल नहीं रहता है जबकि वो नहीं लड़ रहा होता है। हर देश लड़ रहा है हर साल। और उसी तरह से राज्य में भी देखेंगे हम लोग, अपने समाज में देखेंगे तो शांति वांति यहाँ कहाँ होती। बस लड़ के जब थक जाते हैं ना तो उतने समय थोड़ा समय कुछ समय तक शांति बस, उसके बाद फिर जब तक इंद्री थकी हुई है जब थोड़ा सा मतलब हुआ तो वो रेस्ट लेते ही है लड़ने के लिए। वो जो रेस्ट लेते हैं उनकी जो शांति है वो शांति लड़ने के लिए है, लड़ने के लिए। अभी थोड़ा सा सुस्ता ना, थोड़ा सा बॉडी वॉडी बना लें, उसके बाद फिर लड़ेंगे। तो ऐसे ही चलते आ रहा है। ऐसे ही पूरे समाज में पूरे इतिहास को देखता हूँ मैं तो एकदम लगातार लड़ाइयों का सिलसिला है। हाँ, युद्ध के बगैर मनुष्य जो है अपने को जिंदा नहीं समझता, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक ये प्रकृति है। ये प्रकृति 17 स्तंभ 3 गुण हैं और ये 3 गुणों का संघर्ष निरंतर होता है, हमेशा रहता है। तो इसीलिए लड़ाई निरंतर है, निरंतर है। हो सकता है कि लड़ाई जो है वैचारिक स्तर पर हो रही है, लेकिन लड़ाई ही है वो। हाँ, वैचारिक स्तर पर कोई तुतु में कर रहा है कि भाई ये गलत है वो सही है, ये भी लड़ाई ही है। तो लड़ाई में जोर तो वही ना हुआ तो हुआ। हाँ, तो वही तो हम तो उड़ सकते हैं। मतलब वो हर समय सबसे जोर तो यही होगा, यही जड़ है। और लड़ाई सदैव चल रही है, सदैव। हाँ, ये तो ये जो रजोगुण वाला जो लड़ाई है जो जिसमें कि हथियार निकाल करके सब कर रहे हैं, तो यह लड़ाई तो लड़ाई के रूप में दिखती है लेकिन वास्तव में लड़ाई जो वैचारिक लड़ाई जो होती है सतगुण वाला जो लड़ाई है वो तो चलता ही रहता है निरंतर। कोई कितना भी बड़ा उपदेशक आ गया, अवतार आ गया, ऋषि महर्षि आ गया, उसने लड़ाई ही लड़ी। मैं तो यही समझता हूँ कि लड़ाई ही लड़ी। वो जो भी उपदेश दे रहा है किसी न किसी के विरुद्ध में ही दे रहा है, समझ रहे हैं? विरुद्ध में देना मतलब लड़ाई है। वो विरुद्ध में ही उपदेश देगा किसी न किसी को, बोलेगा वो फलनवा गलत है, टिकनवा गलत है, या ये प्रक्रिया गलत है, ये प्रक्रिया गलत है, ये साधना गलत है, वो साधना गलत है, कुछ न कुछ वो। तो धर्म भी तो कई धर्म है तो लड़ाई स्वाभाविक वो है। संप्रदायों में लड़ाई है, संप्रदायों में लड़ाई, संप्रदाय लड़ाई है, पंथों में लड़ाई है, धर्मों में लड़ाई है। सिर्फ मैं अगर वाच करता हूँ तो देखता हूँ सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई है। लड़ाई से कौन बचा है? जो बिल्कुल ही चुपचाप हो, जो बोल ही दे ही रहा है, जो बोल रहा है लड़ाई कर रहा है, जान लीजिए मुंह जो बंद कर दिया है। हाँ, जो मुंह बंद कर दिया, जो कुछ बोलता ही नहीं है, जो कुछ करता ही नहीं है जी। हाँ, बस अधिक से अधिक जो खाली खा रहा है, टट्टी कर रहा है, बस जी। असली लड़ाई उसी से नहीं है, वो तो लड़ाई के कंपटीशन से बाहर हो गया जी। अन्यथा लड़ाई ही लड़ाई, लड़ाई ही लड़ाई। वो शांति के नाम पर लड़ाई करेगा, शांति के नाम पर लड़ाई, उपदेश शांति का, लेकिन बात होगी लड़ाई की ही। लड़ाई अगर शांति की ही बात करें तो क्या वो अशांति वालों के खिलाफ है? शांति बोलना शांति वालों के खिलाफ है,
जी, वह भी एक लड़ाई है, वो भी बहुत सूक्ष्म बात है यार। जी जी, हाँ जी, जो अधार्मिक है उसको धर्म की ओर लाना, यह भी एक लड़ाई है, ये भी लड़ाई कि है। वो अधार्मिक है तो शांत है, उसको अशांति की तरह, वो भी लड़ाई है, लेकिन है लड़ाई है, है लड़ाई, बहुत सूक्ष्म बात है जी, लेकिन वो है, है लड़ाई है। एकदम शुद्ध रूप से लड़ाई से मुक्त वही है जिसके दिमाग में कोई विचार ही नहीं आता, जो कुछ बोलता नहीं है, कुछ लिखता नहीं है, कुछ अब व्यक्त नहीं कर रहा है, पर इतना शांत है कि उसके दिमाग में कोई विचार ही नहीं तैर रहा, बिल्कुल खाली स्टेट है माइंड का, वही लड़ाई से मुक्त है। मतलब मूरत की तरह, हाँ जैसे मूरत मूर्ति बन गई, उसको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब कान आप तोड़ दीजिए, आप तोड़ दीजिए, नाक काट दीजिए, कान काट दीजिए, वो एकदम स्थिर रहेगा, वो लड़ाई से मुक्त है। हाँ, उसके माइंड में लड़ाई नहीं चल रही है, अन्यथा लड़ाई तो है, सच्चाई तो भी हम आप सब जितने सब हम लोग लड़ रही रहे हैं, तो क्यों ना जो है महात्मा बुद्ध को मान लिया जाए भाई, महात्मा बुद्ध तो और लड़ते थे सब, महात्मा बुद्ध तो सबसे ज्यादा लड़ाकू थे, और जैसे उपदेश उनके सुनकर के एकदम लगेगा कि उनकी उनकी मूर्ति सीधे भगवान से कॉन्टेक्ट है, बहुत लड़ाकू थे, क्योंकि उन्होंने बहुत तर्क किए, वो किए, कभी महावीर का मजाक उड़ाया, कभी इसका उड़ाया, तो बहुत लड़ाई कर रहे थे जी। हाँ, तो बहुत महात्मा बुद्ध का वह तो नेता लोग का, ये लोग का बोलने का तरीका है बुद्ध की धरती, अरे बुद्ध की धरती तो क्या की, जितने बुद्धिस्ट है सब तो लड़ाई लड़े हैं, सब तो उपद्रव किए हैं, उपद्रव कर ही रहे हैं, आज भी कर ही रहे हैं, कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, ऐसा कोई युग नहीं था जब उपद्रव नहीं किए। हाँ, अगर बुद्धों के चेलों का सुने या बुद्ध का ही सुनेंगे तो लड़ाई हो रहा है, वह बुद्ध का चेला बिंबिसार है, उसको जो है पकड़ लिया है, उसका लड़का ही जो है उसको कैद कर लिया है आजाद सत्र, और बुद्ध वहीं पर जो है उपदेश दे रहे हैं खिड़की से, वो बेचारा वहां से टुकुर टुकुर ताक रहा है, है कुछ हमारे बारे में कोई बोल ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा मित्र है भाई। हाँ, तो बुद्ध तो कुछ नहीं छुड़ाने के लिए कोई उपद्रव किए, उनके खुद उनका जो है शाक्य वंश के खिलाफ में जो प्रसन्नजीत जो है वह अभियान छेड़ रहे थे, तो कई बार गए बचाने के लिए, तो कुछ बार बचाए भी, उसके बाद फिर जो अंत में नहीं बचा पाए, अंत में जाकर के नाश कर दिया, तो लड़ाई तो चल ही रही थी, चली रही, कभी लड़ाई वो रुकी नहीं, रुकी और नहीं। किसी ने भी सिर्फ लड़ाई से वही जो शुद्ध रूप से जो मौनी बाबा हो गया ना, जो कुछ बोला ही नहीं कभी, हाँ ना कुछ सोचा ना कुछ, बस लड़ाई से हो गया, बाकी जिसने भी जो भी बोला चाहे तो लड़ाई मुंह से आवाज निकली कि लड़ाई वाला कार्यक्रम शुरू, विचार संघर्ष उत्पन्न होता है, विचार जो है ना वो गुणों का खेल है, विचार जब भी होंगे तो वो गुण होंगे, चाहे तो भगवान कृष्ण आए तो, राम आए तो, चाहे बुद्ध आए तो, कबीर आए तो, सब लड़ाई किए, कबीर देखिए मामले बैंक बांध में बोलते थे, एक बार तो पकड़ के सब बोरा में बंद करके कबीर को गंगा जी में फेंक दे रहे कि मर जाओ। और जो भी व्यक्ति सुधार की बात करता है तो इसका मतलब लड़ाई मोल ले रहा है, लड़ाई मोल ले रहा है जी। हाँ, जो लोग बिगड़े हुए हैं उनके खिलाफ लड़ाई है, ये हो सकता है कि आप कह सकते हैं भाई ठीक है, जो लोग बिगड़े हुए हैं उनको थोड़ा सुधार रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है लड़ाई, लड़ाई कर रहा है, उसको छोड़ दो ना उसके हाल पर, नहीं छोड़ दो, ऐसा समझने कम में ना है लोग, लेकिन ऐसा नहीं छोड़ते, लेकिन उनको डुबाने वाला मारने वाले अधिक लोग भाई जो है छोड़ते नहीं। आप अपने घर में बैठ जाइए मौन, आप प्रयोग करना है आपको, तो आप घर में अपना चुपचाप बैठ जाइए, कुछ मत बोलिए, एक घंटा भी नहीं बीतेगा कि पत्नी आई, क्यों जी क्यों ऐसे बैठे हुए हैं, क्या हो गया है, बिना छेड़े नहीं रहेंगे, जान लीजिए बिना छेड़े नहीं, हाँ लड़काएगा, क्या हो गया बाबूजी, क्या कर रहे हैं, चलिए खा लीजिए, टाइम हो गया खाने का, चलिए बाद में सब करते रहिएगा। हाँ, और बैठे रह गए तो हालत ये हो जाएगी ना कि गांव बटोर करके ले आएंगे सब, गांव को बटोर के ले आएंगे कि देखो क्या हो गया है, समझाओ तुम लोग, पकड़ के लिए शहर से नहीं रह सकते, जान बचने वाला नहीं है, किसी तरह बचने वाला नहीं है, शहर से नहीं रहने दे सकते। हाँ,
तो प्रयोग करना करके देख लीजिए, अगर ऐसी स्थिति नहीं आएगी तो कहिएगा। हिताई से हिताई। अरे पूरे रिश्तेदार सारे यार दोस्त अड़ोसी पड़ोसी पूरा गांव मोहल्ला पूरा इलाका इकट्ठा हो जाएगा, पुलिस थाना झाड़ फूक सब इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, बोलो तो नहीं बोल रहे हो जी, कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो अरे वारसम मतलब जे मतलब ये समय और हम लोग की जिंदगी तो ऐसा है, समाज शांति को एकदम बर्दाश्त नहीं करता। वास्तविक जो शांति है ना, मौन को बर्दाश्त समाज नहीं करता। समाज का निर्माण ही होता है जब हम बोलते हैं, तो जब हम लोग संवाद करते हैं तो समाज का निर्माण होता है। संवाद छोड़ दीजिए, समाज खत्म है, समाज खत्म, समाज का कोई अस्तित्व नहीं है जहाँ संवाद नहीं है वहाँ। और समाज में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि कोई चुप रहे, कुछ भी बोलो, हमसे लड़े ही लोग वो ठीक है, लेकिन बोलो, लेकिन बोलो जो कुछ है, लेकिन बोलो बोलो बोलो, हमको गाली ही दे दो लेकिन बोलो, चुप नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। चुप से समाज का सबसे ज्यादा विरोध है, हाँ ये समझ लीजिए। आज जब बोलना शुरू कर दे तो उसकी शिकायत सुन, हाँ फिर तो आ गया हम लोग लाइन में, हम लोग लाइन में आ गया, चलो अब चलो अपने अपने घर चलो, अपने अपने काम पे सब लोग लग जाओ जी जी जी। लेकिन अगर एक भी बार कोई व्यक्ति चुपचाप जहाँ बैठ गया कि उसको बैठने नहीं देंगे, समाज रहने नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। और जितनी देर तक वो बैठा रहेगा उतना ही उसका विरोध प्रचंड होता जाएगा, जान लीजिए। लगी है सीना पर चढ़ के हवा दो कि बोले ये पंपिंग कर रहा। महावीर के साथ क्या हुआ, महावीर की कथा सुना रहा हूँ जी, जी। महावीर चुपचाप खड़े थे जी, हाँ मौन एकदम, कुछ नहीं बोलते, कोई उपदेश नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो एक चरवाहा था, चला रहा था जंगल में, चलाते हैं जी, तो देखा खड़े हैं, तो सोचा काहे क्यों खड़े हैं तो उसको पहले बोला क्यों खड़े हो, क्या कर रहे हो खड़े हो करके, हाँ चरवाहा की जितनी बुद्धि, हाँ तो पूछा तो भूख लगी तो बोलो खाना दे दे, प्यास लगी तो बोलो पानी दे दे, कुछ नहीं। तो फिर वो चरवाहा क्या किया, बोला कि उसको खुद जाना था कहीं पर, तो कहा कि ये जो है हमारी गाय यहाँ पर हैं चल रही हैं, जरा इसको देखना। अच्छा हाँ, और वो अपना कहीं लैट्रिन वैट्रिन करने इधर चला गया। तो वो तो ऐसी तरह चुपचाप थे, जब आया तो देखा कि गाय वाय तो वहाँ है नहीं, ना तो गाय तो अपना कहीं चाची इधर उधर चली गई। कहे तुमको कहे थे देखने के लिए, देखा नहीं, फिर से आरोप लगाने लगा। और वो तो एकदम चुपचाप है, ना बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, चुपचाप तपस्या में अपना लीन। तो कह रहे बोलो कुछ बोलो, हमारी गाय कहाँ चुरा लिया क्या तुमने, चुरा के ढोंग कर रहे हो खड़ा होने का, चुरा लिए हो और खड़ा हो गए हो करते 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 जब वो कुछ भी नहीं बोला तो धकिया दिया, हाँ फिर भी वो कुछ नहीं बोले। तो फिर मारने उड़ने लगा तो भी कुछ नहीं बोला, अच्छा कुछ नहीं सुन रहा है, नहीं सुनने का ड्रामा कर रहा है। तो क्या किया ना कि जा करके कील ले आया और कान में कील ठोक दिया, बोला कान में कील ठोकूंगा जब तुम सुनते नहीं हो तो अब अच्छा से नहीं सुनोगे, तो बोलोगे चुपचाप हो, बोलो कुछ बोलो, नहीं तो कील ठोक दिया, दोनों कान में कील ठोक दिया, कौन निकल गया, महावीर बारे हो गए। तो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बोले। अच्छा हाँ, जब दोनों कान फोड़ दिया वो तब भाग गया वहां से फोड़ करके, हाँ लेकिन हम फंस जाएंगे हम भी फंस जाएंगे, तो कान फोड़ के भाग गया। तो समाज इस स्तर तक उतर जाता है, वो आपको पूरा नाश कर देगा, पूरा नाश, चुप अगर नहीं बोलेंगे ना रहने नहीं देगा, नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा समाज। बोलेगा तो हक की लड़ाई होगी, बोलेंगे तो लड़ाई, हाँ बोलिए, बोल के फिर आप कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो जी। तो फिर बाकी जो है वो अपना निपटेगा जैसे हो है निपटना, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो जाता है समाज जब कोई नहीं बोलता है, यानी जो शब्द है ना
वो निःशब्द में डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं लोग कहते हैं कि सब बोलता है कि एक चुप्पा हरा होगा, एक चुप्पा सबको हरा सकता है, सबको हरा देगा। हाँ, सब बोलता है कि सत्य यही है कि जो बाकी लोग जो है ना वे खाली बोले ही तब बोले तो हाँ, ये नहीं कि आकर जूता मारने लगे तब तब तो मर ही जाएगा वो। जी आके जब मारने लग जाएंगे तो तब मर जाएगा, अन्यथा ऐसे वो ऐसे तो वो हरा देगा, सौ क्या करोड़ों को हरा देगा, करोड़ों को हरा देगा। हाँ, क्योंकि उसमें जब बोलना ही नहीं कुछ, तो जब जब वो बोल नहीं रहा है तो ना वो विद्वान है ना मूर्ख है। हाँ, जो ना उसने न्याय किया ना अन्याय किया, ना उसने सच बोला ना झूठ बोला, आप उसको किसी मॉडल में नहीं बांध सकते, फिर किसी ढांचे में तभी आप बांध सकते, जहाँ तभी बांध सकते, जबकि वो कुछ बोलेगा बोलेगा। हाँ, बोलेगा और पोल उसी खुलेगी, पोल ना बोलेगा ना पोल खुलेगी, बोलबा नहीं करेगा तो पोल काहे को खोलेगी, पोल काहे को, इसीलिए समझ बोलाना चाहता है, बोलो कुछ बोलो। इसलिए सबसे बड़ा दंड यही दिया जाता है, चुप रहना, चुप रहना। घर में अगर किसी से विवाद हो गया सबसे बड़ा दंड यही है कि आप बोलिए नहीं। तो आखिर उसको रहने तो नहीं देंगे लोग, तो यही अगर दो तीन मतलब ऐसे वो बोल रहा है, लेकिन अगर किसी एक से खाली नहीं बोल रहा है तो उसको भी बहुत बड़ा दंड महसूस होता है, अपमान महसूस होता है। हम जी आपको झगड़ा हो गया पत्नियों से हो गया, तो गाल में फुलाए रखे तीन दिन तक नहीं बोलेंगे तो उसको बहुत अनकस डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर किसी से नहीं बोल रहा था तो महान डिस्टर्ब, तब तो उसकी बात है मतलब अलग, अगर बोल रहा है नहीं बोल रहा है तो। हाँ, किसी एक एक से भी अगर नहीं बोल रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो सबसे बड़ा जवाब माना जाता है, सब जवाब के ऊपर भारी अपमान हो जाना, उससे बातचीत नहीं करना, सबसे बड़ा संदेश है यह। इसीलिए कहा गया कि अगर कि किसी से कोई विरोध हो जाए तो उसका नाम तक मत लीजिए। हाँ, अपने आप डाउन हो जाए, राम रहीम कुछ बोलिए ही नहीं, बोलिए उसके बारे में कुछ कुछ भी मत बोलिए, ना उसके बारे में बोलिए, ना उससे बोलिए, ना उसके किसी समर्थक से बोलिए, हाँ ना उसके किसी विरोधी से बोलिए, हाँ चाहे ना उसके विरोधी से बोलिए ना समर्थक से, ना उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है, अपने आप वो डाउन हो जाएगा। मौन की ये बहुत बड़ी ताकत होती है ना, मौन सबको हरा सकता है, सबको विचार के स्तर पर तो हरा ही देगा, क्योंकि वो निर्विचार की स्थिति में खड़ा है। हाँ, शरीर के स्तर पर तो नहीं हरा सकता, लेकिन विचार के तल पर हरा देगा, मतलब उसका उसका मन बहुत मजबूत हो जाता है, मानसिक शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, मेंटली नहीं बोलने वाले वो नहीं बोलना, वो करोड़ों को अकेले हरा सकता है। एक कथा है इसमें छोटी सी, कि एक इसी तरह से साधु थे, वो भी नहीं बोल रहे थे, सब थे, सब बहुत डिस्टर्ब हो गए, बोले तो उन लोगों ने क्या किया, कहा कि इसको कैसे, तो उसमें से एक बुद्धिमान आदमी था वो, कहा कि इसको हराना है ना, तो एक दूसरे साधु को ले आओ जो वो भी नहीं बोलता हो, और दोनों को एक जगह बिठा दो। तो वे लोग गए, और एक और कहाँ कोई कौन मोनी बाबा एक और है, तो एक और मोनी बाबा मिल गया उन लोग को, तब उसको ला करके वो बैठा दिया उन लोग। हाँ, अब ये भी नहीं बोल रहा है, वो भी नहीं बोल रहा है, दोनों तो वे लोग गए गाँव वाले साहब, क्या अब ठीक है, अब दोनों को बैठे थे तो। हाँ, अब देखो इसका क्या प्रभाव होता है, इन दोनों में कौन बड़ा मोनी है पता चलेगा। उसमें भी लड़ाई को दो मोनियों की लड़ाई होने दो। हाँ, क्योंकि एक तो ऐसा है कि खाली चुप है मुंह से, और एक है कि भाई उसके दिमाग में विचार चल रहा है, मूड में नहीं ला रहा है, और एक ऐसा हो सकता है कि जिसके दिमाग में विचार भी नहीं चल रहा हो, वो वास्तविक मौनी है, तो न्यूटन वाला है। हाँ, तो जिसके दिमाग में विचार भी नहीं चल रहा है, जीत उसी की होगी, और जो मुंह से नहीं बोल रहा है
लेकिन विचार चल रहा है, विचार चल रहा है वो हार जाएगा, क्योंकि वो अभी नया मुनि है, छोटा छोटा मुनि है, वो छोटा साधक है वो, क्योंकि दिमाग बहुत लोग मुनि बाबा ऐसे देखते होंगे ना, जो कि मुँह से बोलते नहीं लिखते हैं कागज पर, तो वे बहुत हल्के मुनि है, क्योंकि वो लिख रहे हैं, हाँ लिख रहे हैं, जो लिखना भी छोड़ देंगे तो वो उससे ऊपर चले गए, तो उसके बाद एक ऐसा देखेंगे जो इशारा कर रहे होंगे, लिखेंगे नहीं लेकिन इशारा करते हैं, तो वह उससे ऊपर है, फिर जो इशारा भी जब छोड़ देंगे तब वो उससे ऊपर हो गए। उसके बाद एक वो होंगे कि जो इशारा भी नहीं कर रहे होंगे, बोल भी नहीं रहे हैं, लिख भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में भी कोई विचार नहीं बन रहा है, वो सबसे बड़े मुनि होते हैं जो निर्विचार की स्थिति में। अगर दोनों मुनि को बैठा दो एक जगह, अब देखा जाए कि दोनों में कौन सबसे ऊँचा है, अब बैठे रह गए दोनों कई वर्षों के बाद, एक जो है मुनि वो भाई, जब जो वास्तविक मुनि नहीं है हाँ, तो उसको कुछ ना कुछ तो वो लगेगा, तलब लगेगी जी, खाना है पीना है, जाना है तो उठना है पीटना है, तो कुछ ना कुछ तो इशारा करेगा हाँ, तो जो इशारा करेगा तो वो वास्तविक मुनि नहीं है, वास्तविक मुनि इशारा भी नहीं करता है, भूख भी लगने पर, प्यास भी लगने पर वो इशारा नहीं करता, वास्तविक मुनि जब उसको कोई पिला दिया तो पिला दिया, पी दिया इशारा नहीं करता वो, और पीते समय भी वो उसी तरह से रहेगा एकदम, और पीते ध्यान वो बोलेगा कि जैसे मूर्ति है हाँ, तो वो जो है वो बहुत उच्च स्तर का मुनि।